हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर से ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस ओपन करने पर सबसे पहला यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा। दोस्तों, जिस तरह एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। राइटर का यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, फाइल बनाने, रिपोर्ट बनाने, मतलब अगर हमें किसी भी तरह का लिखने वाला काम करना है तो हम लोग राइटर का यूज़ करते हैं। अब राइटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर ओपन करने पर ये विंडो इस तरह में आपके सामने यहाँ पर ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऊपर का एरिया होता है, ये टाइटल बार कहलाता है, जहाँ पर अनटाइटल वन लिखा है। अनटाइटल वन यहाँ किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। मतलब जैसे यहाँ पर राइटर हमने ओपन किया, राइटर की फाइल को अभी हमने सेव क्यों किया नहीं, मतलब यहाँ पर हमने कोई नाम इसे दिया नहीं। जब तक हम इसे कोई नाम नहीं देते, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल वन शो होता रहता है। इसे ज़रूर आप कहीं पर नोट कर लें। ट्रिपल सी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम अनटाइटल वन होता है। अब उसी तरह यहाँ पर एमएस वर्ड की तरह मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन यहाँ पर होते हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर मेन्यू बार आते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। तो ये सारे हमारे यहाँ पर मेन्यू बार होते हैं। और ट्रिपल सी में पूछा जाता है कि टोटल लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू बार होते हैं, तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने मेन्यू बार होते हैं, 11 मेन्यू बार होते हैं। तो इसे भी आप कहीं पर नोट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने टूल बार होते हैं। अब टूल बार उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों टूल बार हैं। अब और क्वेश्चन आता है कितने टूल बार होते हैं, तो यहाँ पर कितने टूल बार हैं डिफॉल्ट, एक और दो, तो यहाँ पर दो टूल बार हमारे बाय डिफॉल्ट आते हैं। और कौन कौन से होते हैं और ये क्वेश्चन आता है, तो पहला टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार और दूसरा टूल बार यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार। मतलब जो फर्स्ट टूल बार आता है वो स्टैंडर्ड टूल बार आता है और दूसरा टूल बार यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। एडजस्ट कर देते हैं पहले इन्हें। अब और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर सेव, ओपन, मतलब ये सारे कमांड आपको यहाँ पर मिलते हैं। मतलब जितने भी कमांड हो गए, सेव हो गया, ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, पीडीएफ हो गया, टेबल हो गया, ये सारे कमांड हमें स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं। अब फॉर्मेटिंग टूल बार, जैसे फॉर्मेटिंग हमारा नाम ही से, मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो, डेकोरेशन करना हो, सजावट करना हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पर फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, मतलब ये सारी फॉर्मेटिंग से लेकर हमें यहाँ पर चीज़ें मिलती। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कौन सी होती है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर कौन सी है, लिब्रेशन सेरिफ। और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 12 होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कहीं पर नोट कर लें। फिर इसके बाद ये वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा यहाँ पर पेज होता है। मतलब कुछ भी अगर हमें यहाँ पर लिखना है तो इसी वाइट एरिया में हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर आता है कि डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है, तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन यहाँ पर प्रोटेट होता है। मतलब पेज आपका किस में आ रहा है, लंबाई में आ रहा है, चौड़ाई में आ रहा है, तो पेज हमारे यहाँ पर किस में, लंबाई में, तो उसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोट्रेट बोलते हैं, पोर्ट्रेट यहाँ पर बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है साइड बार, तो साइड बार ये जो साइड का एरिया आपको दिखाई देता है, यहाँ पर साइड बार होता है। अब अगर क्वेश्चन आता है साइड बार कहाँ पे होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, तो साइड बार कहाँ पे होता है, राइट में होता है। अब इसमें ऑप्शन पहला प्रॉपर्टीज, मतलब पेज को लेकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब पेज से लेकर यहाँ पर हमारा हो गया, मतलब पेज से यहाँ पर जो हमारा आता है स्टाइल वगैरह, फॉन्ट जो भी आपने पेज पर लिखा होगा उसके लेकर यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पर हमारा आता है पेज से लेकर पेज का साइज वगैरह, फिर स्टाइल, फिर गैलरी, और उसके बाद यहाँ पर नेविगेटर, मतलब कि हेडिंग है, टेबल, ये सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर साइड बार में मिलते हैं। अब उसके बाद हम नीचे आए तो नीचे का एरिया हमारा होता है स्टेटस बार, और वहाँ पर क्वेश्चन आता है किसी एप्लीकेशन में सबसे बॉटम में क्या होता है, तो हमारा स्टेटस बार में होता है। मतलब वहाँ पर ध्यान दें कि वहाँ पर एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए। अगर वहाँ पर लिखा हो कि बॉटम में क्या होता है, तब हमारा टास्क बार होगा, पर अगर वहाँ पर लिखा हो किसी एप्लीकेशन में बॉटम में क्या होता है, तो स्टेटस बार यहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको पेजेस या कितने भी वर्ड आपने यहाँ पर टाइप किए होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्ड हम टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है लिब्रे ऑफिस, तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो वर्ड हैं और 12 कैरेक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर स्टेटस बार में शो करता है। और यहाँ पर जूम इन साइज, अब हमें देखना है यहाँ पर डिफॉल्ट जूम इन साइज, तो डिफॉल्ट जूम इन साइज देखिए, अभी यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो डिफॉल्ट जूम इन साइज हमारे यहाँ पर कितना आता है,
100 आता है, मतलब अगर आप कोई चेंजेस नहीं करते हो जूम इन साइज में तो डिफॉल्ट जूम इन साइज 100 आता है। और मिनिमम जूम इन साइज भी देख लेते हैं एक बार, तो मिनिमम जूम इन साइज यहाँ पर कितना होता है 20, देख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कम यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा। अब हमें देखना हो कि मैक्सिमम जूम इन साइज कितना होता है, तो मैक्सिमम कितना होता है 600, मतलब 600 से ज़्यादा हमारा यहाँ पर नहीं होता है। इन तीनों चीज़ों को भी कहीं पर नोट कर लें कि मिनिमम जूम इन साइज कितना होता है 20 होता है, और डिफॉल्ट जूम इन साइज कितना होता है 100 होता है, और मैक्सिमम जूम इन साइज यहाँ पर कितना होता है 600 होता है। दोस्तों अगर आपके मन में लिब्रे ऑफिस या ट्रिपल सी से जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देख लें। और इसी तरह हम लिब्रे ऑफिस पर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।